नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565905309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, टॉप 50 MCQs का ये हमारा सीरीज है और फोर्थ वीडियो हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले तीन वीडियो और आपको दिए जा चुके हैं। करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि जनवरी से लेकर जुलाई 2022 तक के हैं और आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सब में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बीपीएससी 67th चूंकि होने वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए ये बराबर रूप से बेनिफिशियल होंगे। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारे पेड ग्रुप्स के लिंक है, कॉल कर सकते हैं यहाँ पर या फिर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप्स का लाभ उठा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहां किया है? Where did यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल रिसेंटली? भोपाल, ग्वालियर, सतना या फिर इंदौर? आंसर आपको पता है, आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। ये जो स्कूल खोला गया है ये माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में शुरू किया गया है, ठीक है, और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है और इसमें 3 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स जो है वो संचालित होगा, कंडक्ट किया जाएगा। और 11 दिसंबर को यह घोषणा की गई थी कि पूरे प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कहां कहां? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सतना, जिसमें ग्वालियर में स्कूल खोला जा चुका है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली में 175 देशों ने, 175 कंट्रीज ने ऐतिहासिक संकल्प अपनाया, यह कहां आयोजित हुआ था? Where was it held? अंकारा, दुबई, नैरोबी या फिर न्यू दिल्ली? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नैरोबी। नैरोबी, नैरोबी कहां की राजधानी है जरा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नैरोबी में 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 3 मसौदा प्रस्तावों पर विचार किया गया, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए 3 ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस पर विचार किया गया, इसको कंसीडर किया गया, जिसमें भारत ने सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई का आह्वान किया है, ठीक है। भारत ने क्या किया है? वॉलेंट्री एक्शन बाय ऑल कंट्रीज, जितने भी सदस्य देश हैं उनसे वॉलेंट्री एक्शन की डिमांड की है, ठीक है, कॉलेक्टिव वॉलेंट्री एक्शन की। भारत ने 2019 में जो आयोजित हुआ था 4th संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, उसमें भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, एकल उपयोग वाला प्लास्टिक उत्पाद जो होता है, उससे निपटने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है, किसको? वन ओशन शिखर सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा, वन ओशन समिट। और कब से कब तक? 9 से 11 फरवरी 2022 तक यह आयोजित हुआ है। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, इटली या फिर ब्रिटेन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में यह आयोजित किया गया, ठीक है। देख लेते हैं, वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट में, फ्रांस में ब्रिस्ट नाम का जगह है वहां पर हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है, ठीक है। और समिट में भारत के अलावा, भारत के प्रधानमंत्री के अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा समेत बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबोधित किया है इसको, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना।
The aim of the summit is to inspire the international community to take concrete action towards the protection and support of healthy and inclusive marine ecosystem. तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, फ्रांस के ब्रिस्ट में आयोजित हुआ वन ओशन समिट। पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों तथा सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित आहार क्रांति की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो सबसे पहले तो यही है कि आहार क्रांति है क्या। तो भारत में स्थानीय रूप से लोकली अवेलेबल जितने भी आपके न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर आपके सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन तक सभी लोगों की पहुंच स्थापित हो सके, इसके लिए यह आहार क्रांति की शुरुआत की गई है। अब किसने की है, यही क्वेश्चन है। कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या फिर उपभोक्ता मंत्रालय कंज्यूमर मिनिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह शुभारंभ किया है। किसका? आहार क्रांति का। आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, भारत में जो भी लोकली अवेलेबल पौष्टिक भोजन है, फल है या फिर सब्जियां हैं, उन तक सभी की पहुंच हो, इसके लिए यह एक समर्पित मिशन है। ठीक है, लोकली अवेलेबल जितने भी वेजिटेबल्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, यह सब अवेलेबल हो सभी को। यह संयुक्त मिशन है किसका? सबसे पहला तो विज्ञाना भारती, विज्ञाना भारती जिसको कि विभा VIBHA जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है विभा। उसके अलावा GIST ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, और उसके अलावा प्रभाष। प्रभाष क्या है? प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक कॉन्टैक्ट, और उसके अलावा विज्ञान प्रसार। तो ये चार संस्थानों का ज्वाइंट वेंचर है ये आहार क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए, आहार क्रांति आंदोलन को भारत और दुनिया में बहुतायत में भूख और बीमारियों की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। आहार क्रांति मूवमेंट इज डिजाइंड टू एड्रेस द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड डिजीज इन अबंडेंस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब भूख और उससे होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए ये आहार क्रांति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरी दुनिया को अपने छोटे से विमान के जरिए नापने वाली कम उम्र की महिला कौन बन गई है? सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? Who has become the youngest woman to measure the whole world through her small plane? Sally Tight, Emily Jackson, Zara Rutherford या फिर Antonia Joseph? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा Zara Rutherford। Zara Rutherford, याद रखिएगा। और ये कहां की है? ये है ब्रिटिश और बेल्जियम मूल की महिला है Zara Rutherford, जो कि सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, जिन्होंने एक माइक्रोलाइट प्लेन में पूरी दुनिया को नाप दिया है। मतलब 5 महीने में उन्होंने 5 महाद्वीपों की यात्रा पूरी की है, और इसके दौरान 51,000 किलोमीटर का सफर 52 देशों के ऊपर से तय किया है इन्होंने। ठीक है, तो यह याद रखिएगा नाम Zara Rutherford। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस सेंट्रल जेल में जेल वाणी FM 18.77 नाम से रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल, इंदौर, पटना या फिर मुंबई? आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर सेंट्रल जेल। इंदौर सेंट्रल जेल में यह शुरू किया गया है, और 18.77 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि 1877 में 1877 में ही इंदौर सेंट्रल जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक आरजे है, आरजे संतोष, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इसको दिया गया है, और यही यहाँ पर आरजे का काम करता है। रेडियो जो है वो केवल जेल के अंदर ही सुना जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इंदौर सेंट्रल जेल में FM शुरू किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किस नदी पर लखवार बांध बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवार डैम ऑन विच रिवर इन देहरादून द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर गंडक? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर लखवार बांध बनाने की इजाजत केंद्र सरकार ने दे दी है। ठीक है, जो कि लगभग 3 दशक से रुका हुआ प्रोजेक्ट था। इस बांध की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो लखवार के साथ साथ रेणुका बांध परियोजना पर भी काम हो रहा है। इससे 13,88,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। और सन 1976 में यमुना नदी पर लखवार बांध बनाए जाने की परियोजना पर विचार किया गया था। तो 1976 से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था, जिसे अब स्वीकृति दी गई है, अप्रूवल दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुनिया में पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट किस राज्य में खोला गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट हैज बीन ओपेंड इन विच स्टेट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात?
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ये नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट खोला गया है। पहले आप देखते थे कि बोरी का बोरी खर्चा हो जाता था, ठीक है, यूरिया छोटे छोटे दानों के रूप में यूरिया मौजूद होता है, नाइट्रोजन होता है इसमें, व्हाइट कलर का देखते होंगे आप लोग, जब खेती होती है तो उसमें पटाया जाता है ये यूरिया। अब क्या किया गया है कि एक बोरी यूरिया को, एक बोरी जो यूरिया होगा यह छोटे से 500 ml के बोतल में अवेलेबल होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, धोने में आसानी होगी, बोरा उठाने में बड़ा मेहनत लगता था, अब मात्र 500 ml का बोतल होगा, जेब में रखिए और चल दीजिए, ठीक है, और इससे जो है उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, ठीक है, और यूरिया की चोरी भी इससे रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर पर सहकार से समृद्ध कार्यक्रम को संबोधित किया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द सहकार से समृद्धि प्रोग्राम एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात एंड वर्चुअली इनॉग्रेटेड द नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ऑफ इफको। इफको का ये प्लांट है, ये याद रखिएगा, IFFCO इफको का ये प्लांट है जो कि दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है, और यह जो है 175 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है, 175 करोड़ इसकी लागत है। उत्पादन क्षमता कितनी है, 500 ml का मतलब आधा लीटर का 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन ये बनाएगा, ठीक है, और एक बोरी का फर्टिलाइजर अब 500 ml की बोतल में समा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट है, आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया है। तो कौन सा संस्थान है ये याद रखिएगा, किसने इनोग्रेट किया है सबसे पहले, तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। चलिए, यह प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान जो है वो क्या करेगा, विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज, संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के साथ ही शैक्षणिक संगठनों और संसाधन केंद्रों के साथ भागीदारी करेगा और नेटवर्क बनाएगा, मतलब उनके साथ कोलैबोरेट करेगा और साथ में नेटवर्क बनाएगा, ठीक। और इसके अलावा ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो ओवरसी प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स फ्रॉम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मतलब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जितने भी शोधार्थी हैं, मतलब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सब का जो भी कार्य है उन सब पर यह नजर रखेगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी है ट्राइबल रीजन में या फिर ट्राइबल कार्यों से जुड़े हुए या फिर NFS हैं, ठीक है, उन सब ने जितने भी बेंचमार्क अप्रूव किए हैं या फिर जो भी रिसर्च उन पर चल रहा है, उन सब के लिए यह जो है प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए मानक तय करेगा, बेंचमार्क तय करेगा, ठीक है। उसकी अन्य गतिविधियां क्या होंगी, तो अन्य गतिविधियों में देखें तो जो राज्य कल्याण विभाग है ट्राइबल्स के लिए, इसके अलावा डिजाइन अध्ययनों एवं कार्यक्रमों को नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराना इसका काम होगा, ठीक है। इसमें देखें तो प्रोवाइडिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स एज वेल एज स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिजाइन स्टडीज एंड प्रोग्राम्स, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ इंडियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, फोरम ऑफ इलेक्शन अथॉरिटीज ऑफ एशियन कंट्रीज, भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। अपने प्यारे भारत को चुना गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नया अध्यक्ष कौन होगा, अपना प्यारा भारत। एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ इंडियन इलेक्शन अथॉरिटीज, ये याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा कि एशियाई देशों का चुनाव मंच जो है वो क्या है। भारत को 2022 से 24 के लिए यह सम्मान दिया गया है, चुना गया है। 7 मई को फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है या फिर मीटिंग हो चुकी है, और इसमें जो है भारत को अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। 7 मई चूंकि बीत चुका है तो 7 मई को यह मीटिंग हुई थी और इसी में भारत को चुना गया अध्यक्ष। इससे पहले फिलीपींस का जो निर्वाचन आयोग था वह था अध्यक्ष, ठीक है। तो पहले कौन था, फिलीपींस का निर्वाचन आयोग, अब भारत का निर्वाचन आयोग बन गया है। और जो कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसमें रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस को शामिल किया गया है, ठीक है, नए सदस्यों के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुंभकोणम के पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए किस राज्य के पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र क्या होगा,
जिसमें हम लोग विंड फ्लो करते हैं, मतलब फूंकते हैं और फिर उससे आवाज निकलती है। तो ऐसा जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वायु वाद्य यंत्र कहेंगे, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इसका नाम क्या है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को हाल ही में GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है, यही क्वेश्चन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो यह जो है आपका क्या नाम है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, ठीक है। और यह कहां के लोग बनाते हैं, कुंभकोणम नामक गांव के लोग इसका निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देख लेते हैं GI टैग के लिए आवेदन किसने दिया था, तो तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर से दायर किया गया था। इसको क्या कहा जाता है, नागस्वरम को परी नागेश्वरम भी कहा जाता है, और यह थिमिरी से लंबा है। थिमिरी भी एक वाद्य यंत्र होता है, वायु वाद्य यंत्र, लेकिन उससे इसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम की। और इसको जो है एक अचा नाम की लकड़ी से बनाया जाता है, जो स्पेशल लकड़ी होती है, जिससे एक यूनिक साउंड मॉड्यूलेशन प्राप्त होता है, ठीक। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से संबंधित है, ये याद रखिएगा, नागस्वरम। आगे देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इसका नाम क्या रखा गया है। इंडियन रेलवे हैज मेड अ रिकॉर्ड बाय मेकिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन, व्हाट इज इट्स नेम। सेवा, जन सेवा, हृदय या फिर लाइफ लाइन। आंसर क्या है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका नाम क्या रखा गया है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। और इसको कहाँ खड़ा किया गया है, यह जो है आपका असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है आपका दो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी हैं, 5 ऑपरेटिंग टेबल हैं, और इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम है, और अल्ट्रा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, वो सब इसमें अवेलेबल है। तो दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन है, नाम याद रखिएगा, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे ने कारनामा कर दिखाया है। चलिए, कहां आयोजित हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल में कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिए कि हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन है, कोरिया की टीम, ठीक है, और इसने किसको हराया है, मलेशिया को हराया है, ठीक। और यह आयोजित कहां हुआ था, कोरिया, जकार्ता, मलेशिया या फिर भारत। आंसर क्या है, जकार्ता। यह जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, हॉकी एशिया कप 2022, ओके। और इसमें कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। और भारत को कौन सा कप मिला है, कांस्य पदक मिला है, भारत को कांस्य पदक मिला है, किसको हराकर, जापान को 1-0 से हराकर, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय टीम भी कमाल दिखाई है और कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम की है एशिया हॉकी टूर्नामेंट में, ठीक है, 2022 में। चलिए, ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी अवार्ड किसको दिया गया है, इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर है। नाम क्या है, राज कौशिक, कौशिक रामचंद्रन, कौशिक राजशेखर या फिर शेखर रामचंद्रन। आंसर क्या हो जाएगा, कौशिक राजशेखर, कौशिक राजशेखर को दिया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है। भारतीय मूल के प्रोफेसर है कौशिक राजशेखर, जिनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार जो है वो कौन देती है, ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन देती है, याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन जो है वह यह पुरस्कार देती है। और ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है राजशेखर जी, ठीक है। और उनको ये काम किस लिए मिला है, तो बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है। ही हैज बीन गिवन दिस अवार्ड बाय द ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज व्हाइल रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एमिशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में जो एमिशन होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, उसको कम करते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या फिर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, उसके क्षेत्र में यह इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2022 के लिए 3 भारतीय युवाओं को चयनित किया गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र भूमि स्थल नामित करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। रिसेंटली आफ्टर नेमिंग 5 न्यू वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड टू 49, 50, 52 एंड 54। आंसर क्या हो जाएगा, 54। पहले कितने हुआ करते थे,
49 हुआ करते थे, अब इसमें 5 ऐड कर दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया, 54 हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और कहां कहां से कौन कौन सा किया गया है वो जरा सा देख लेते हैं। तमिलनाडु से 3 वेटलैंड्स हैं, नाम क्या है, किरिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ठीक है, तो तमिलनाडु से 3 है, याद रखिएगा। इसके अलावा मिजोरम से 1 है जो है पाला वेटलैंड, और मध्य प्रदेश से 1 है जिसका नाम है सांखे सागर। तो ये 5 का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रामसर क्या है, रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, ठीक है, ईरान का एक शहर है जहां पर कन्वेंशन हुआ था, कैस्पियन सागर में यह स्थित है, और यहां पर कन्वेंशन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यह एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण संधि है, एनवायरमेंट ट्रीटी है, जिसको यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 को स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में संख्या कितनी हो गई है, 54 हो गई है, बता दिया मैंने। रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1975 में लागू हुआ था, 1971 में ट्रीटी हुई थी और 1975 में इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगामी महिला T20 विश्व कप के आयोजक देशों का कौन सा मेल सही नहीं है। तो आगामी जो होने वाले हैं, फ्यूचर में जो महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के होने वाले हैं, उनकी घोषणा कर दी गई है, अब इसमें मेल आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। 2024 भारत, 2026 इंग्लैंड, 2027 श्रीलंका, बी और सी दोनों। तो यहां पर यदि देखें तो 2026 में इंग्लैंड में होने वाला है, ये सही है, 2027 में श्रीलंका में होगा, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। 2024 में इंडिया में नहीं होगा, बल्कि ये कहां होगा, बांग्लादेश में होगा, ठीक है, इंडिया में नहीं होगा, बांग्लादेश में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में 50 ओवर्स का होने वाला है महिला विश्व कप, ठीक है, 2025 में इंडिया में क्या होने वाला है, 50 ओवर का जो वनडे विश्व कप होता है वो होने वाला है 2025 में महिलाओं का, 2024 में बांग्लादेश में होगा, 2026 में जैसा मैंने बताया इंग्लैंड में होगा, और 2027 में कहां होगा, श्रीलंका में होगा, T20 विश्व कप, ये तीनों जो है वो T20 है। भारत इससे पहले 1978, 1997 और 2003 में मेजबानी कर चुका है वनडे विश्व कप का, ठीक है, जो कि 50 ओवर का होता है। 2016 में T20 विश्व कप हुआ था भारत में, इसका भी मेजबानी भारत कर चुका है, और वनडे विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी महिलाओं की, तो 1973 में हुई थी, यह भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, रेलवे दिल्ली के कहां, दिल्ली में कहां 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। तो दिल्ली में कहां स्थापित हो रहा है यह पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि लागत कितनी है, 30.76 करोड़, और कौन स्थापित कर रहा है, रेलवे स्थापित कर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, द्वारका, पालम, किशनगंज या फिर लक्ष्मीनगर, ये चारों दिल्ली में ही स्थित है ऑब्वियसली, आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज, दिल्ली के किशनगंज में रेलवे जो है वो बहुत ही विश्व स्तरीय बहुत बड़ा कुश्ती अकादमी स्थापित करने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है यदि हम लोग देखें तो कुश्ती से बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और मेडल भी जीते हैं, जिसमें सुशील कुमार है 2008 एवं 2012 में उन्होंने पदक जीता था, साक्षी मलिक 2016 में पदक जीती थी, रवि कुमार और बजरंग पुनिया ने 2020 में पदक जीते थे रेलवे की तरफ से। इसके अलावा देखें तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें भी 7 पदक टोटल रेसलिंग में जीते गए हैं, जिसमें 3 व्यक्तिगत पदक जो हैं वो रेलवे के थे, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में उनको रजत मिला था, रवि कुमार को कुश्ती में रजत मिला था, और बजरंग पुनिया को कुश्ती में कांस्य मिला था, ठीक है, और ये तीनों ही खिलाड़ी जो है वो रेलवे से ही संबंधित थे। तो रेलवे से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं और इसलिए यह अकादमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि हमको और भी ज्यादा मेडल मिल सके। चलिए आगे देख लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक छत्र योजना, मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम स्माइल शुरू की है, यह किसके लिए है यह पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर, औरतों के लिए, भिखारियों के लिए या फिर बच्चों के लिए, आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर आंसर जो है इसको बदल दीजिए, इसमें आप ए प्लस सी कर दीजिए, ठीक है, ये जो होगा उसमें ए प्लस सी कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है और बेगर्स के लिए भी है, इसमें अम्ब्रेला स्कीम है तो दो तरह की स्कीम चलाई जा रही है, एक स्कीम आपका ट्रांसजेंडर्स के लिए है और दूसरा स्कीम जो है वो बेगर्स के लिए है, भिखारियों के लिए, ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सबसे पहले तो यही याद रखना है, स्माइल स्कीम किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू किया है, ठीक है, और स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड
इंटरप्राइज, ठीक है, 12 फरवरी को यह योजना शुरू की गई है। पहला स्कीम क्या है इसके अंतर्गत, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरा है रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ पेगिंग। मतलब पहला जो है वो ट्रांसजेंडर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए, और दूसरा जो है वो भीख मांगने के कार्य में लगे हुए लोगों यानी कि भिखारियों के पुनर्वास के लिए है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे उपाय शामिल हैं जिससे कि उनको भीख मांगने से रोका जाएगा, उनको खाना वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, रहने की सुविधा वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट भी उनको दिया जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग की जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, इकोनॉमिक भी उनका मदद किया जाएगा इकोनॉमिकली भी, ठीक है। और इसके लिए जो है सपोर्ट लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अर्बन बॉडीज का, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, इनको मदद किया जाएगा या फिर उनके मदद से ये काम किया जाएगा, स्माइल योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट है तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति की पहल पर पहला तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि किसकी पहल पर मनाया गया, फिक्की की सिफारिश पर यह मनाया गया है, ठीक है। और यह पहला एंटी स्मगलिंग डे था, कब मनाया गया, 11 जनवरी 2022, 21 जनवरी, 11 फरवरी या फिर 21 फरवरी। आंसर क्या हो जाएगा, 11 जनवरी 2022 को यह मनाया गया है, फर्स्ट क्या एंटी स्मगलिंग डे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तस्करी और नकली सामानों के खिलाफ गठित फिक्की की समिति कैस्केड ने 11 फरवरी को तस्करी रोधी दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है। तो नाम क्या था समिति का, समिति का नाम था कैस्केड, याद रखिएगा। और तस्करी विरोधी दिवस जो है वो तस्करी के खिलाफ जारी विरोध अभियान को तेज करेगा और इससे नीति निर्माता जो है, पॉलिसी मेकर जो है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, पुलिस है, उद्योग जगत के लोग हैं, मीडिया और उपभोक्ता जो है वो एकजुट होंगे और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2020 में स्मगलिंग तस्करी के कारण वैश्विक ग्लोबल जीडीपी में लगभग 3% की कमी आई है, ठीक है, 3% का नुकसान हुआ है, जो कि टोटल कितना बनता है, $2.2 trillion के बराबर है। मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ है केवल स्मगलिंग के कारण। और यदि फिक्की कैस्केड की रिपोर्ट 2019 की माने तो भारत में ही यदि केवल देखें तो 1,17,253 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को हुआ है और 16.36 लाख रोजगार की हानि हुई है, किसके कारण, केवल स्मगलिंग के कारण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह तस्कर विरोधी दिवस है। एंटी विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरे चरण में कितने जिलों तक इसका विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो है उसके तहत नेक्स्ट इसका जो एडिशन है, सेकेंड फेज जो चालू किया गया है, उसमें कितने जिलों तक इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, 50, 100, 150 या फिर 200। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जिलों तक इसका विस्तार कर दिया गया। पहले चरण में 50 जिलों में था यह और अब जो है 50 और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि नवोदय विद्यालय और जो आपके नेतरहाट वगैरह है उसमें इसको चलाया जा रहा है, 50 को चलाया जा रहा था जवाहर नवोदय विद्यालयों में और अब जो है 50 और संस्थानों में इसे शुरू कर दिया गया, 50 और विद्यालयों को इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, जिसको क्या कहा जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम विषयों में महिलाओं की जो जागरूकता है वो बढ़े, महिलाएं इसको अपनाने को, इसको पढ़ने को प्रेरित हों, इसके लिए यह योजना चलाई जा रही है, विज्ञान ज्योति योजना, ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए, और 100 जिलों तक विस्तार किया गया है यह भी याद रखिएगा। चलिए, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने देश में एक नई प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की है, यह किस वर्ग से संबंधित है, यह क्वेश्चन है। साइंटिस्ट ऑफ ZSI हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज व्हाइट चिक्ड मैकॉक इन द कंट्री, टू विच क्लास डज इट बिलोंग, रेप्टाइल, मैमल, एम्फीबियन या फिर नन ऑफ द अबव, सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर या फिर कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मैमल, ये क्या है, मैमल है और यह बंदर के जैसा दिखने वाला प्रजाति है, ठीक है, व्हाइट चिक्ड मैकॉक। देख लेते हैं, इसको पहली बार 2015 में चीन में खोजा गया था और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजाव जिले में खोजा है, ठीक है,
और यह देखें तो भारत के स्तनधारी प्रजातियों की संख्या कितनी है, 437 से लेकर 438 तक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ मैमल स्पीसीज ऑफ इंडिया रेंजेस फ्रॉम 437 टू 438। और ये जो व्हाइट चिक्ड मेकॉक है, जैसा मैंने बताया, बंदर से मिलती हुई प्रजाति है और कहाँ खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजाव जिले में, ठीक है। सुदूर का मतलब तो होता है कि बहुत दूर स्थित, अरुणाचल प्रदेश में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 15 से 16 फरवरी को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके चार व्यापक विषयों में कौन शामिल नहीं है, द ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन 15 to 16 फरवरी, विच ऑफ इट्स फोर ब्रॉड थीम्स इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि चार इसमें थीम है जो कि बहुत बड़े बड़े थीम है, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, यही पूछा जा रहा है। वास्तुकला एवं कार्यात्मक जरूरतें, आर्किटेक्चरल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, संग्रह यानी कि स्टोरेज, और स्टोरेज में क्यूरेशन और संरक्षण अभ्यासों को ऐड किया गया है, क्यूरेशन एंड कंजर्वेटिव एक्सरसाइजेस को ऐड किया गया है, और चौथा है ऐतिहासिक स्रोत। तो ये पहला तीनों जो है वो इसके थीम्स में शामिल है, ये हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो है यह शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर याद क्या रखना है कि यह जो आपका सबमिट ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है, और 15 से 16 फरवरी के बीच, ठीक है। और इसमें कितने थीम्स हैं, चार विषय हैं, ठीक है। अब चार विषय कौन कौन है, तो वस्तु कला एवं कार्यात्मक जरूरतें जो कि मैंने बताया, प्रबंध संग्रहण ये सब है, और लास्ट जो है वो है शिक्षा एवं दर्शकों की भागीदारी, एजुकेशन एंड ऑडियंस पार्टिसिपेशन, ये चौथा थीम है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब तो मैंने बता दिया। और दिस ग्लोबल समिट विल ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग स्टालवर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स एंड एक्टर्स इन म्यूजियम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू डिस्कस द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज। मतलब म्यूजियम्स को और बेहतर कैसे किया जा सके भारत में, इसके लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे जो भी वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। नई रोशनी योजना के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, तो इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है नई रोशनी स्कीम के बारे में। नई रोशनी योजना मुख्यतः अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बनाई गई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस योजना के अंतर्गत 40% जगह देश की अन्य गरीब परिवार की महिलाओं के लिए रखी गई है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 40% नहीं होना चाहिए, 25% होना चाहिए, ठीक है। 25% जो है स्थान अल्पसंख्यक महिलाओं के अलावा जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनके लिए स्थान रखा गया है, 25%। इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और पिछले तीन वर्षों में 2018-19 से लेकर 2020-21 में नई रोशनी योजना के तहत 26 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 40% नहीं, 25%, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है कि महिलाओं में नेतृत्व कुशलता, शैक्षिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय प्रणालियां, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन इत्यादि विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है। और लक्षित समूह में जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन हैं। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या सिखाया जाएगा, लीडरशिप स्किल, एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया जाएगा महिलाओं का, हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताया जाएगा, क्लीन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, फिनेंशियल सिस्टम्स, लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, वुमेन लीगल राइट जो उनके होते हैं, कानूनी अधिकार जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दिया जाएगा, एडवोकेसी पर ध्यान दिया जाएगा, और सोशल एंड बिहेवियर चेंज के बारे में इनको बताया जाएगा नई रोशनी स्कीम के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित पावर थॉन 2022 में समाधान हेतु कितने विषयों को शामिल किया गया है। ये जो ये पावर थॉन आप देखते होंगे, पावर थॉन है, फिर आपका नीति आयोग के द्वारा और भी बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। ये क्या किया जाता है, इसमें जो भी यंग लोग होते हैं ना उनको कुछ विषय दिए जाते हैं और उन विषयों पर उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए कहा जाता है, ठीक है। मैराथन, पावर थॉन इस तरह का आप लोग देखते होंगे, इलेक्ट्रोथॉन, इस तरीके से अलग अलग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और ये कॉम्पिटिशन होता है एक तरह का। अब इसमें विषय पावर थॉन 2022 में समाधान के लिए कितने विषय चुने गए हैं, 5, 6, 8 या 9, तो इसमें 9 विषय जो है वो चुने गए हैं जिन पर काम करना है कि इनको जो भी आपके इनोवेटर्स हैं या फिर यंग
जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट, उनके लिए यह चैलेंज होता है। तो बिजली वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए विद्युत मंत्री ने पावर थॉन 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय ने किया है ऑफकोर्स, क्योंकि विद्युत से रिलेटेड है ये। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए यह चैलेंज है। और 9 विषय पर इसमें जो है आपका चैलेंज दिया जा रहा है, और इनमें क्या करना है, इन विषयों में यूज क्या करना है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वीआर एआर है, ये सब का इस्तेमाल करके और डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अब विषय इसमें क्या क्या है, तो पहला है डिमांड या फिर लोड फोरकास्टिंग है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना लोड या डिमांड आ सकता है, इसके लिए इसको मेजर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनाइए। टोटल टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस रिडक्शन, मतलब किस तरीके से कमर्शियल या फिर टेक्निकल जो लॉस होता है बिजली वितरण में, उसको कम किया जा सके, इसके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन दीजिए। एनर्जी थेफ्ट डिटेक्शन, मतलब बिजली की जो चोरी होती है उसकी समस्या से निपटने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल्यूर एस्टिमेशन, एसेट इंस्पेक्शन, वेजिटेशन मैनेजमेंट, इनहेंस्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑप्टिमाइजिंग पावर परचेजेस। तो ये सब के टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, और उसमें इस्तेमाल करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। चलिए आगे देख लेते हैं। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? वेयर वॉज द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धारवाड या फिर आईआईटी इंदौर? आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी धारवाड में यह किया गया है। ठीक है, एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक, याद रखिएगा। हनीवेल होम टाउन सोल्यूशन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको फंड दिया जा रहा है CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कॉर्पोरेट संस्थान जो होती है वह किसी एक इनिशिएटिव को फंड देती है और उसका सारा दायित्व निभाती है, जो भी फिनेंशियल उसमें पोजिशंस होते हैं, जो भी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिया जाता है। इसके तहत डिफरेंट जो आपके म्यूजियम्स हैं, संग्रहालय हैं, विभिन्न जो आपके पर्यटन स्थल हैं, उनको भी गोद लिया जाता है इनके द्वारा, और उनकी देख रेख मरम्मत वगैरह का काम किया जाता है, मेंटेनेंस वगैरह का काम किया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। यह केंद्र सरकार की योजना है। भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों से जुड़ी शारीरिक सुरक्षा यानी कि फिजिकल सेफ्टी, रसायनों से सुरक्षा यानी कि केमिकल सेफ्टी, ज्वलनशीलता यानी कि इनफ्लेमेबिलिटी, विद्युत सुरक्षा इत्यादि पर कितने भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं? ठीक है, तो 7, 8, 9 या 10? आंसर क्या हो जाएगा? 10। टोटल 10 मानक जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। और अब क्या होगा कि ये सेफ्टी मेजर्स जो है उन पर ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। जब तक ISI मार्का नहीं है तब तक उनको बेचना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के का जितना भी खिलौना है उन पर ISI मार्क को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यह आपका 7 खिलौनों पर सुरक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, टोटल 7 खिलौनों पर। और टोटल कितने मानक है, बेंचमार्क्स कितने हैं, स्टैंडर्ड कितने हैं? टोटल 10 स्टैंडर्ड जारी किए गए हैं इसके लिए। किस चीज के लिए? फिजिकल सेफ्टी के लिए, केमिकल सेफ्टी के लिए, फ्लेमेबिलिटी के लिए और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए। ठीक, और BIS लाइसेंस के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे खिलौनों का निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण, किराया, पट्टा या प्रदर्शनी की अनुमति नहीं है जिस पर ISI मार्क न। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके चीतों को देश में लाने के लिए किस देश के साथ MOU पर साइन किया गया है? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि 1952 में ही भारत से चीते जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक, अब MOU पर साइन किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया या केन्या? आंसर क्या हो जाएगा? नामीबिया। नामीबिया में सबसे ज्यादा संख्या में चीते पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो नामीबिया से किया गया है MOU पर साइन। ठीक है, ताकि भारत में लाया जा सका चीतों को। ठीक, और इसको रखा कहां जाएगा? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखा जाएगा, चीतों को रखा जाएगा। ठीक है, चीते विलुप्त क्यों हो गए थे? क्योंकि इनका बहुत अधिक शिकार किया जा रहा था और इनके रहने के लिए जगह का अभाव था, यहां पर इनको नेचुरली फूड प्राप्त हो सके। ठीक है, आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साल वनों में एक मृत चीता पाया गया था। और दुनिया में चीतों की सबसे अधिक आबादी कहाँ है? नामीबिया में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और कहां पर भारत में रखा जाएगा, ये तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो
कूनो अभयारण्य है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट बन गया है, जिसमें सभी गोदियों का संचालन निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर हो रहा है। Which port becomes the first 100% landlord model port, major port of India having all berths being operated on PPP model? Kandla, Haldia, Vishakhapatnam या फिर जवाहरलाल नेहरू? आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग PPP model जो होता है, मतलब कि इसमें सरकारी कंपनी भी होती है, सरकार का भी योगदान होता है और साथ में प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान होता है, ठीक है, उसको कहते हैं PPP model। तो ये कौन बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ऐसा पहला लैंड लॉर्ड पोर्टल पर संचालित बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी गोदियों का संचालन पीपीपी मॉडल से हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? क्रेन के उपयोग और टर्मिनल की बर्थ उत्पादकता जो है, बर्थ प्रोडक्टिविटी जो है, उसमें सुधार होगा, ठीक है। और जेएनपीटी का जो कुल हैंडलिंग 2020-21 में 1.5 मिलियन TEU था, वह आगे बढ़ करके और 1.8 मिलियन TEU हो जाएगा। और यदि देखें तो इससे पहले लैंड लॉर्ड मॉडल पर महाराष्ट्र के दहान के पास बधावन जो बंदरगाह है उसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, ठीक। तो याद रखिएगा, इससे पहले लैंड लॉर्ड मॉडल जो है वो किसके लिए प्रस्तावित किया गया था? बधावन एयरपोर्ट के लिए, सॉरी बधावन पोर्ट के लिए, जो कि दहान में है महाराष्ट्र में, ठीक है, और भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन 2021? नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के मामले में देखें तो भारत का क्या स्थान है पूरे दुनिया में? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। देख लेते हैं पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। तो चीन है पहले स्थान पर और रूस है दूसरे स्थान पर, भारत का स्थान है तीसरा। 2021 में यदि देखें तो भारत में 15.4 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की स्थापना की गई है, ठीक है। और भारत में कुल सौर प्रतिष्ठान देखें, सोलर एनर्जी से चलने वाला प्रतिष्ठान देखें तो 60.4 गीगावाट का टोटल है, जिसमें जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत जो है वो फोर्थ प्लेस पर पहुंच गया, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उत्सवों एवं राज्यों के मेल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विभिन्न राज्यों में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनका ये दिया हुआ मेल, उसमें से जो आपको चुनना है कि कौन सा मेल सही नहीं है। लैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, बैखो त्योहार असम और सरहुल महोत्सव पश्चिम बंगाल। अब इसमें कौन सा सही नहीं है? लैवेंडर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल भी केरला में मनाया जाता है। बैखो फेस्टिवल भी जो है वो असम में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में नहीं मनाया जाता, वो मनाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका डी नंबर ऑप्शन है यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं सरहुल महोत्सव के बारे में थोड़ा सा। यह झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बसंत के मौसम में मनाया जाता है। सर का अर्थ होता है वर्ष और हुल का अर्थ होता है शुरू करना, मतलब कि वर्ष की शुरुआत में यह महोत्सव मनाया जाता है कि और इसमें जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है और इसे मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा देखें तो इसको बाप पैरोप भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है फूलों का त्यौहार, ठीक है। और सरहुल जो है वो उराव जनजाति जो झारखंड में रहती है, उराव जनजाति उनका महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये भी याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन IN से हो गया इंडिया और आगे है स्पेस, ओके। इसके मुख्यालय का उद्घाटन कहां किया है? राजकोट, सूरत, अहमदाबाद या फिर जयपुर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा आपका, देखते हैं, अहमदाबाद, ठीक है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में इन स्पेस और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। द इवेंट ऑल्सो सॉ एन एक्सचेंज ऑफ MOUs बिटवीन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इन स्पेस एंड स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा? अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, भारत के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको अवसर मिलेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में,
ठीक है, और इससे रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? जून 2020 में इसकी घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अमेरिका के यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को क्या रैंक दिया गया है? तो याद रखिएगा कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स अमेरिका के, उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत का रैंक क्या है यही पूछा जा रहा है, 40, 41, 42 या फिर 43। भारत का जो रैंक है वो इस बार 43rd है, ठीक है, याद रखिएगा 43rd रैंक भारत को मिला है, ठीक है। 43वें स्थान पर है भारत 55 देशों में, ठीक। और भारत का जो आईपी स्कोर है वो 38.4 से बढ़कर 38.6% हो गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और शीर्ष पांच में कौन कौन देश है? तो नंबर वन पर है आपका यूएसए, नंबर टू पर यूके, नंबर थ्री जर्मनी, नंबर फोर स्वीडन और नंबर फाइव फ्रांस, ठीक है। तो ये है इंडेक्स के बारे में, कौन जारी करता है, किसका पहला रैंक है, किसका लास्ट रैंक है और भारत का क्या रैंक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए शिक्षा की नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है, यह किन के लिए है? तो कब से कब तक के लिए? 2022 से 27 के लिए है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। यह किसके लिए है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला शिक्षा या फिर प्रौढ़ शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन या फिर एडल्ट एजुकेशन। आंसर क्या हो जाएगा? एडल्ट एजुकेशन, यह जो है आपका प्रौढ़ शिक्षा के लिए है, ये जरूर याद रखिएगा, नव भारत शिक्षा परियोजना, ठीक, साक्षरता कार्यक्रम। तो यह जो है आपका 2022 से 27 के लिए है, 5 सालों के लिए, ये भी याद रखना है आपको। और इसके लिए अनुमानित कुल लागत जो है वो 1037.90 करोड़ है, किसमें कितना बांटा जाएगा ये याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी आपके इलिटरेट लोग हैं उनको कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT NIOS के सहयोग से ऑनलाइन अध्यापन शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को लाभान्वित करेगी, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को शिक्षा दी जाएगी और टोटल 5 करोड़ 5 साल में होंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जिसका शॉर्ट फॉर्म है OTLAS, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्री नितिन गडकरी ने 696 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सड़क पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इसका लंबाई कितना है, 14.5 किलोमीटर, किस एनएच पर बनाया गया है, तो 333B, लागत क्या है, तो 696 करोड़। तो तीन क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ये जो है आपका बिहार में बनाया जा रहा है 333B एनएच पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया लागत 696 करोड़, 333B एनएच और 14.5 किलोमीटर लंबा सड़क सह रेल पुल, ठीक है। तो रेल और सड़क दोनों तरह का पुल होगा इसमें, ठीक है। बिहार के मुंगेर में यह बनाया जा रहा है, किस नदी पर, गंगा नदी पर, गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत। अब इसमें क्या होगा कि इस पुल के बनने से मुंगेर से खगड़िया के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर कम हो जाएगी, ठीक है। और मुंगेर से बेगूसराय की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। इसके अलावा मुंगेर से खगड़िया सहरसा जाने में 3 घंटे और मुंगेर से बेगूसराय समस्तीपुर जाने में 45 मिनट की बचत होगी, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे तथ्य मैंने बताए, याद रखिएगा, खास करके बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। आगे, प्रधानमंत्री ने इंदौर में ठोस अपशिष्ट आधारित गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन कितने टन गीले कचरे को जैविक कचरे से अलग करने की है? द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोबर धन प्लांट इन इंदौर। कहां पर उद्घाटन किया, तो इंदौर में किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका कैपेसिटी जो है वो क्या है, कितने मतलब कितने टन वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को यह सेग्रीगेट कर सकता है, यह पूछा जा रहा है। 250, 450, 550 या 750? आंसर क्या हो जाएगा, 550। 550 टन गीले कचरे को, वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को यह सेग्रीगेट कर सकता है, ऑर्गेनिक कचरे से अलग कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं,
इंदौर में उद्घाटन हुआ, ये तो आपको याद ही रखना है, नाम क्या है, गोवर्धन संयंत्र, ठीक है, 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग कर सकता है ये, और प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन इससे हो सकता है, ठीक है। यह लैंडफिल मॉडल पर आधारित है जिससे कोई भी कचरा रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब एक एक कचरे का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा जैसे पर्यावरणीय लाभ मिलने की भी उम्मीद है, और आने वाले 2 वर्षों में 75 बड़े निकायों में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसे लगाया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के अनुसार किस वर्ष तक भारत उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, 2022, 2023, 2024, 2025? आंसर क्या हो जाएगा, 2023। भारत जो है वो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा 2023 तक, ऐसा सदानंद गौड़ा जी का कहना है, ठीक है। क्योंकि इसके तहत जो है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है, ऐसा सदानंद गौड़ा जी ने कहा है, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। सरकार देश में जैविक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि वे 25-30% तक किफायती हैं और 18-35% तक अधिक उपज देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनिक और जो नैनो फर्टिलाइजर्स हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनो उर्वरकों को देश भर के 12,000 किसानों और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच में निःशुल्क वितरित किया गया है, जिससे बहुत ही अच्छा फीडबैक भी मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। 105 करोड़ की लागत से देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है, वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹105 करोड़, पूर्णिया, जबलपुर, लखनऊ या फिर हाजीपुर? आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया। पूर्णिया में इसे स्थापित किया गया है, इथेनॉल प्लांट देश का पहला है, ठीक है। 105 करोड़ की लागत इसमें आई है, पूर्णिया के परोरा में स्थापित किया गया है और केंद्र और राज्य सरकार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना है और इसे बनाया किसने है, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यहाँ रोजाना 65,000 लीटर की क्षमता से इथेनॉल का उत्पादन होगा। तो क्षमता जरूर याद रखिएगा, 65,000, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पडियारना गांव में 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,526.12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि परियोजना का नाम क्या है, परियोजना का नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। क्षमता क्या है, तो 540 मेगावाट और कहाँ स्थित है, तो किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर के पडियारना गांव में, ठीक है। अब ये किस नदी पर है, रावी, चिनाब, सतलज या फिर ब्यास? आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब नदी, ठीक है। तो यह जो है चिनाब नदी पर है क्वार जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है। और परियोजना जो है वो 54 माह में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यह कौन बना रहा है, तो मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वह इसका क्रियान्वयन करेगा, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और NHPC और JKSPDC जो है इसका निर्माण कर रही है, दोनों मिलकर के, NHPC और JKSPDC, ठीक है। इस परियोजना में दोनों कंपनियों का 51% और 49% हिस्सेदारी होगा। परियोजना के द्वारा वार्षिक जो बिजली उत्पादन होगा उसका 90% के बराबर हो सकता है, परियोजना में वार्षिक बिजली उत्पादन जो होगा वो 90% के बराबर या फिर उससे अधिक हो सकता है। इस हिसाब से परियोजना से 19,755.4 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। ये है आपका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कि 90% या फिर उससे अधिक होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? Which state has become the first state in the country to implement the new education policy in primary education? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और प्राइमरी एजुकेशन में इसे लागू किया गया है, ठीक है। 12 जुलाई से यह लागू हो चुका है, ठीक, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक, मतलब प्री स्कूल से लेकर और आपका सेकेंडरी स्कूल तक, ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, यानी कि इसको क्या किया जाएगा, यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। पहले जो 10+2 का पैटर्न हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, ये पैटर्न 5
प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वो जरूर जाकर के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में लगभग कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार और तेजी यानी कि रैंप योजना का शुभारंभ किया। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज प्रोडक्टिविटी। तो कितना लागत है इसका? 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़ या 10000 करोड़? आंसर क्या हो जाएगा? 6000 करोड़। ठीक है, तो रैंप योजना की लागत जो है वो 6000 करोड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और इसमें एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार तथा तेजी यानी कि रैंप परियोजना, पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण यानी कि सीबीएफटीई योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। एक बार अंग्रेजी में बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया प्रधानमंत्री ने, और रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना, इसके अलावा कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स सीबीएफटीई स्कीम और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इनके तहत विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है। आगे देख लेते हैं, अक्षय ऊर्जा मतलब सौर एवं जल से उत्पन्न ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा या फिर लखनऊ हवाई अड्डा? आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जरूरतें पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पर केवल जल एवं सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की जा रही है, मतलब हाइड्रो एवं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 2030 तक जो हमारा जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहाँ पर 6% की बात करें तो 6% ऊर्जा जो है वह आपका सोलर पैनल से पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, और 94% जो है वो आपका हाइड्रो एनर्जी से काम चल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रो एनर्जी से 94% और 6% जो है आपका सोलर एनर्जी से। इससे क्या हो रहा है, 200,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो रहा है। ठीक है, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसके लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 के द्वारा किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? विच कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर By Europe's biggest startup conference VivaTech 2020, China, Britain, France और India। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, हमारा प्यारा भारत, इसे VivaTech 2020 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। VivaTech जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, आयोजन कहाँ होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हमेशा आयोजन होता है। विज्ञापन और मार्केटिंग जगत के प्रमुख कंपनी पब्लिसिस ग्रुप और फ्रांस के अग्रणी मीडिया समूह लेस इकोज की ओर से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। तो कौन कौन आयोजन करते हैं? लेस इकोज और साथ में आपका ये पब्लिसिस ग्रुप। ओके, तो देख लीजिए, कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 सब लोग जानते होंगे। G20 की बैठक अगले साल 2023 में कहां होने वाली है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विभिन्न संगठनों का जो आगामी होने वाला है सम्मेलन वो कहां होता है, ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली, कोलकाता, जम्मू कश्मीर या गुजरात? इससे पता चल ही गया होगा कि भारत में ही आयोजन होना है। आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आयोजन होगा 2030 के G20 सम्मेलन का। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आयोजन होगा, और इसके लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस, ताकि इसका आयोजन ढंग से किया जा सके। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जाम्स में। और ये याद रखिएगा कि भारत जो है वो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, और भारत जो है 2019 से G20 की स्थापना के बाद से ही G20 का सदस्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
याद रखिएगा G20 की स्थापना कब हुई 1999 में और भारत भी उसी समय इसका सदस्य बना था। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं। किस रेलवे ने हाल ही में अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? विच रेलवे हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स इंटायर सेक्शन? कोंकण रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउदर्न रेलवे या फिर वेस्टर्न रेलवे? आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है अपने पूरे खंड में। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसके लिए मिशन 100% विद्युतीकरण, मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मूविंग टुवार्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, ये एक मिशन है जिसको कि चलाया गया। ओके, योजना के तहत लोगों को पर्यावरण अनुकूल, हरित और स्वच्छ परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकृत करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया गया है। इस परियोजना की पूरी लागत जो है 1287 करोड़ रुपए है और कोंकण रेलवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र। और कोंकण रेलवे पर पहली यात्री ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का संचालन कब हुआ था? 23 मार्च 1993 को हुआ था, ये भी याद रखने लायक है। और किसके किसके बीच में हुआ था? उडुपी और मैंगलोर के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र के जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? नेम ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। निर्माण, कुशल, निपुण या फिर सफल? आंसर क्या हो जाएगा? निपुण। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? NIPUN, निपुण। चलिए देख लेते हैं निपुण का फुल फॉर्म क्या है। निपुण का फुल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे और साथ में देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह काम किया जा रहा है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना अर्थात निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा निपुण फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अ नेशनल इनिशिएटिव टू फर्दर इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, निपुण की बात करें तो यह जो है आपका फ्लैगशिप स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन DAYNULM ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब कि आवास और ये जो आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है उसकी योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसका यह एक फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, इसके तहत 1,00,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे उन्हें विदेशों में काम करने का अवसर भी मिल सके। ठीक है, और जहां तक बात करें DAYNULM की तो यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है जिसे 2014-15 से लागू किया जा रहा है, दीनदयाल उपाध्याय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानवता के लिए योग थीम के साथ मनाए गए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री ने कहा कार्यक्रम का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि 8वां था ये इस बार 2022 का। दूसरा, मानवता के लिए योग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था, ये भी दो क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया। और तीसरा कि मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भाग लिया, तो वाराणसी, गांधीनगर, लद्दाख या फिर मैसूर? आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां पर प्रधानमंत्री ने भाग लिया। और 8वां संस्करण था ये मैंने बताया। इसके अलावा मानवता के लिए योग, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम था, याद रखिएगा 2022 का थीम। पिछले वर्ष का जो थीम था वो था स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्थ। ठीक है, इस बार का देखें तो मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित पूरे भारत भर में 75 स्थलों पर योग प्रदर्शन करेंगे और वहां पर अपना अपना कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के समर्थन से 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो कब किया था? 2014 में, याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी।
चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में लगभग कितने नए लोग प्राकृतिक आपदाओं के चलते विस्थापन का शिकार हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल इन इंडिया वर द विक्टिम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? 40 लाख। 40 लाख लोग जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन का शिकार हुए हैं भारत में, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, ठीक है, फिलीपींस में सबसे ज्यादा 51 लाख लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापन का शिकार होना पड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर पूरी दुनिया में? 51 लाख कहां पर? फिलीपींस में, ठीक है। और एशिया में आपदाओं के कारण सबसे बड़ा विस्थापन दर्ज किया गया, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। चीन में 2020 के अंत तक 50 लाख और भारत में 40 लाख नए लोग प्राकृतिक आपदाओं के चलते विस्थापन का शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हर दूसरे साल प्रकाशित होता है यह वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 पब्लिश्ड एवरी अदर ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 145 देशों और क्षेत्रों के 3.7 करोड़ नए लोग प्राकृतिक आपदाओं के चलते विस्थापन का शिकार हुए। तो पूरी दुनिया की बात करें तो 3.7 करोड़ लोग जो है वो विस्थापन का शिकार हुए हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 में, ठीक है, 145 देशों का ये टोटल आंकड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? वाज मेड द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन बर्मिंघम। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या फिर दीपा कर्माकर। पहले जो है नीरज चोपड़ा को बनाया जाना था लेकिन बाद में उनको चोट लग गई और इस कारण से पीवी सिंधु को बनाया गया है। और पीवी सिंधु पिछले बार भी फ्लैग बियरर थी ओपनिंग सेरेमनी में, तो लगातार दूसरी बार फ्लैग बियरर पीवी सिंधु बनी है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में। बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है 28 जुलाई से, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उद्घाटन समारोह में 164 एथलीट जो है वो हिस्सा लेंगे भारत की तरफ से। सिंधु ने गोल्ड कोस्ट और ग्लासगो में पिछले दो चरण में रजत और कांस्य पदक जीते थे, ठीक है, एक में सिल्वर और एक में ब्रॉन्ज जीती थी। इस बार देखते हैं, भगवान करे गोल्ड जीते। सिंधु जो है गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजवाहक थी, ठीक है, पिछला जो 2018 में हुआ था उसमें भी वो ध्वजवाहक थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोटिल होने के कारण कॉमनवेल्थ खेलों से बाहर हो गए हैं, वरना एक और मेडल पक्का ही था। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो हाल ही में उन्होंने सिल्वर मेडल जो जीता है और उसी प्रतियोगिता में उनको चोट भी लग गई। भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को किस संगठन ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस। आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भारत के अर्थशास्त्री हैं इंद्रमीत गिल, इनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, इनके बारे में जरा सब देख लेते हैं। भारत के अर्थशास्त्री हैं इंद्रमीत गिल, ठीक, उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हो जाएगी और गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु भी जो है वो 2012 से 16 तक चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, तो कौशिक बसु का भी नाम याद रखिएगा। गिल जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फिनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनको चीफ इकोनॉमिस्ट के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा नाम क्या है, इंद्रमीत गिल, जिनको वर्ल्ड बैंक ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी? तो गुड़गांव, नोएडा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात में बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी और इसमें देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर का बिल्डिंग जो है उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी कि उसका भी आधारशिला रखा गया है, ठीक है।
या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक है। इट इज अ यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। IIBX जो आपका बनाया गया है, ये बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है, ये क्या करेगा, विल फैसिलिटेट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी विद रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग गोल्ड फाइनेंस इन इंडिया। मतलब भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है, यहां से सोने में ट्रेड किया जा सकेगा, सोना चांदी इत्यादि का ट्रेड जो है वो आसानी से इंटरनेशनल मार्केट के साथ किया जा सकेगा, यही इसका पर्पस है। ठीक है, इसको बनाने का पर्पस है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन आज का समाप्त होता है, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जुलाई के आगे का जो करंट अफेयर्स होगा और कुछ अब तक का जो करंट अफेयर छूटा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यह सीरीज लगातार चलता रहेगा, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को सपोर्ट जरूर करते रहिए। ठीक है, मैं चंद्रवर्धन इस वीडियो के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।